हाय गाइस, तो अगर आप हमारे चैनल को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आप हमारे बारे में जानते होंगे, पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपकी नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम दुबई ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आप अपना दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना कर पाएं। और आज की वीडियो का थंबनेल देखिए, आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सारे टॉप अट्रैक्शंस जो कि आपके आइटनरी में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप दुबई आए और इन सात जगहों पर नहीं गए तो आपका ट्रिप बिल्कुल ही वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉल्फिन एरियम की, जो कि दुबई के क्रीक पार्क में लोकेटेड है और ये बर दुबई वाले एरिया में आता है। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉल्फिन एंड सील शो होता है, जो कि देखने में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो गाइस कि इंडिया में कोई ऐसा डॉल्फिन शो होता है या नहीं, अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर टिकट प्राइस की बात करें तो इसका टिकट कॉस्ट है 105 dirhams। तो अगर आप दुबई आते हैं तो इस अनयूजुअल एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब बात करते हैं मिरेकल गार्डन की, जो कि है वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल फ्लावर गार्डन और जो कि 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्ड करता है। इसका टिकट प्राइस है 55 dirhams। और यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, तो इसलिए आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर आप विंटर्स में दुबई जाते हैं तो ज़रूर मिरेकल गार्डन विजिट करें, बिकॉज समर्स में ये बंद होता है, ये नवम्बर से लेकर मार्च तक ही ओपन होता है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल विलेज की, जो कि अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है, क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री के बहुत बड़े बड़े पवेलियंस हैं। और अगर आप हमारे पुराने कुछ वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ग्लोबल विलेज पूरे दुबई में मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है। और यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, जैसे कि इस साल इन्होंने ये रेलवे मार्केट बनाई है, और नॉर्मली यहाँ पर ये फ्लोटिंग मार्केट होती है जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का खाना ऑफर करेगी। तो ये खाने के लिए तो बेस्ट प्लेस है ही, उसके अलावा शॉपिंग के लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ग्लोबल विलेज का टिकट सिर्फ 20 dirham है। तो अगर आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ग्लोबल विलेज को अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूजिकल फेस्टिवल और कॉन्सर्ट्स भी होते रहते हैं, तो यू नेवर नो कि आप कब किस सेलिब्रिटी से टकरा जाएं। और यहाँ पर देखने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। और यहाँ पर आपको 7-8 घंटे भी कम पड़ेंगे, और ये जगह कपल्स, फ्रेंड्स, फैमिली, किड्स और एल्डरली पीपल सभी को बहुत पसंद आती है। और आगे बढ़ने से पहले वी रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने हम पे ट्रस्ट करा और हमसे अपना दुबई का ट्रिप प्लान करवाया, क्योंकि हमें बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि हमारी वजह से आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा और आप अपना दुबई का ट्रिप बहुत इंजॉय कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हम बता दें कि हम दुबई के लिए कस्टमाइज आइटनरी, वीज़ाज और टूर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर की, जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क। तो यहाँ पर डायनासोर से लेके मार्वल और कार्टून नेटवर्क के भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका टिकट प्राइस है 260 dirhams। मोस्टली लोग IMG वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते, क्योंकि दुबई का नाम सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहले फरारी वर्ल्ड का नाम आता है, जहाँ पर है वर्ल्ड फास्टेस्ट रोलर कोस्टर, जो कि आबू धाबी में लोकेटेड है। पर अगर आप आबू धाबी नहीं जा पाते फॉर सम रीज़न, तो आप IMG वर्ल्ड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्कैरी राइड्स हैं और बहुत ही फास्ट रोलर कोस्टर हैं, जहाँ पर बैठ कर आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए अब चलते हैं अटलांटिस एक्वावेंचर वाटर पार्क की तरफ। एक्वावेंचर दुनिया में सबसे बड़ा वाटर पार्क है, जहां पर 79 राइड्स, 26 मरीन एंड वाटर स्पोर्ट एक्सपीरियंसेस और प्राइवेट बीच भी है। मोस्ट पॉपुलर राइड लीप ऑफ फेथ की है, जिसमें आप 27.5 मीटर की हाइट पर खड़े होते हैं और नीचे से दरवाज़ा खुलता है और आप एक ट्यूब से गुजरते हैं जो कि शार्क्स और रेस से घिरी होती है। इसके अलावा आप ट्राइडेंट टावर, शॉक वेव और ब्लैकआउट नाम के राइड्स को ट्राई कर सकते हैं। इस पार्क में विजिटर्स शार्क के साथ में स्विम कर सकते हैं और साथ में ही काउ नोज स्टिंगरेज को अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं।
एक्वावेंचर सुपर पास 329 दरम का है, जिसमें आप वाटर पार्क के साथ साथ लॉस्ट चैम्बर एक्वेरियम भी जा सकते हैं। और गाइज, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, प्लीज़ गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डालते रहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, या फिर जो भी यहाँ पर न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ और जो भी नया ट्रैवल अपडेट होता है वो सब हम अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ नया और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दुबई के बारे में मिलती रहेगी। आइए अब चलते हैं दुबई एक्वेरियम एंड अंडरवाटर जू की तरफ। दुबई मॉल के अंदर आपको दुबई एक्वेरियम एंड अंडरवाटर जू मिल जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम एंड अंडरवाटर जू है। इस एक्वेरियम के 10 मिलियन लीटर टैंक के अंदर आपको 140 से ज्यादा स्पीशीज के एक्वाटिक एनिमल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 400 से ज्यादा शार्क्स मिलेंगे, जैसे कि सैंड टाइगर शार्क्स और जायंट ग्रुपर्स, और इसके अलावा आपको स्टिंग रेज भी मिलेंगी। इस एक्वेरियम के अंदर आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और अगर आपको डाइविंग नहीं आती तो आप स्नॉर्कलिंग और केज वॉकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप शार्क्स और रेज को खाना भी खिला सकते हैं। एक्वेरियम में एंट्री का बेसिक प्राइस है 169 दिरहम। आइए अब चलते हैं एन दुबई। एन दुबई दुनिया का सबसे बड़ा और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है, जिसकी हाइट 250 मीटर है। एन दुबई के ऑब्जर्वेशन डेक पर जाकर आप दुबई की खूबसूरत स्काईलाइन को देख सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल ओकेजन जैसे कि एनिवर्सरी, बर्थडे, प्रपोजल, इन सब को और यादगार बनाना चाहते हैं तो आप एन दुबई के प्राइवेट केबिन का टिकट ले सकते हैं। एन दुबई के ऑब्जर्वेशन डेक का स्टार्टिंग प्राइस 130 दिरहम से शुरू होता है। अब बात करते हैं द मोस्ट ऑब्वियस अट्रैक्शन बुर्ज खलीफा की। आप दुबई आए और बुर्ज खलीफा नहीं गए, ये तो हो ही नहीं सकता। बुर्ज खलीफा को बाहर से ही देखना अपने आप में ही एक यादगार पल है। बुर्ज खलीफा को शाम में देखना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लाइटिंग शोज होते हैं। आप चाहे तो बुर्ज खलीफा के टॉप पर जा सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस 149 दिरहम से शुरू होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो देख के आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ नई जानकारी मिली होगी। और अगर आप दुबई आने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये 7 जगहों पे जरूर जाएं। और ये वाला वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के हाथ में शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम चल जाए इन सारी जगहों के बारे में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज हम इस तरह के इन्फॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाते रहते हैं। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।